भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में मध्य प्रदेश से चलकर बंजारन लोग आ गए हैं। उनका पेशा बाबू लोहार का है, वो लोहारी के काम करते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में घूम घूम कर ये लोग अपने हाथ से हुनर के द्वारा कुछ पार्ट कुछ औजार निर्माण करते हैं। कुल्हाड़ी, हथौड़ी, बना रहे हैं, अनेकों प्रकार के औजार बनाते हैं और बनाकर उनको वो बेचते हैं। इस काम में उनके सारे परिवार लगे रहते हैं, बूढ़े बच्चे, मर्द लेडीज सारे मिलकर ये काम करते हैं। इनका कहना है कि हम लोग और हमारे पूरे परिवार यही काम में लगे हुए हैं और हमारे पूर्वज भी यही काम करते आए हैं। हम लोग भी भारत के विभिन्न शहर में घूम घूम कर अपने हाथ से निर्माण करके पक्के लोहे का सामान बनाते हैं और उचित मूल पर बिक्री कर इसी से मेरा भरण पोषण होता है। सरकार की तरफ से इन लोगों के ऊपर में किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, उनका कोई स्थायी नहीं है। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत के विभिन्न शहरों में घूम घूम कर ये लोग अपना काम करते हैं। आप हमारे स्टार मिथिला 99 के माध्यम से देख रहे हैं कि ये लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर हथौड़ा चला रहे हैं और उनके परिवार से मिलकर अपना अपना काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला 99। धन्यवाद। कहाँ घर हुआ आपका? एमपी मध्य प्रदेश। कितने दिनों से ये यहाँ पर बना रहे हैं? 2-3 महीना। 8 महीना हो गया हम लोग। ऐसे घूम घूम के ही बनाते हैं आप? हाँ। पहले इतना मोटा से छेदते हैं, ये वाला डालते हैं, ये वाला डालते हैं।